अन्ना जी, सही बात यह कि क्या शरद पवार को एक्सेप्ट करने के लिए राहुल गांधी भी तैयार थे? वो अपनी पार्टी के बड़े बुजुर्ग नेताओं को भी नहीं देख रहे शरद पवार के साथ, और शरद पवार तो सोनिया गांधी के ही दुश्मन थे, इसीलिए पार्टी छोड़ करके गए। अब कहने को गठबंधन, अच्छा ये अहंकार कांग्रेस का खत्म नहीं हुआ। मिलिंद देवड़ा, आप देखिए मुंबई की यदि बात करें, मुरली देवड़ा की वजह से पार्टी को बड़ा लाभ वहाँ मिलता था, लेकिन संजय निरुपम मिलिंद देवड़ा तो कह रहे हैं भाई देखिए 370 ठीक किया। जम्मू कश्मीर को लेकर के देखिए, आज भी आप ये मानिए चाहे नेता हो या ना हो, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी उनमें से कई ऐसे मुद्दे हो सकते थे, राष्ट्रवादी जिसको कहना चाहिए, कांग्रेस जो कश्मीरी ब्राह्मणों की पार्टी एक समय में था, ब्यूरोक्रेसी में कश्मीरी ब्राह्मण कह करके इंदिरा गांधी नेहरू परिवार के नाम पर वोट मिलता था, आज उन्होंने उसको ही छोड़ दिया, उन्होंने जम्मू कश्मीर को कह दिया नहीं नहीं बड़ी गलत है, वो फारूक अब्दुल्ला की गोद में जा करके बैठ गए। ऐसी स्थिति में ये कल्पना करना कि आप महाराष्ट्र में या हरियाणा में वोट मिल सकेगा, तो कांग्रेस का आप जो कह रही हैं शरद पवार को नेता नहीं मानना जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर या ऐसे किसी भी राष्ट्रवाद जो मुद्दा होता है पाकिस्तान के मुद्दे पर भी, आज भी बार बार मनमोहन सिंह, आप बताइए मनमोहन सिंह एक चुनाव दक्षिण दिल्ली तक में नहीं जीत सके जिसको नेता मानते थे, आज मनमोहन सिंह को आगे आरती उतार करके ला लें, इसलिए बेड़ा गर्क तो हो रहा है क्योंकि उनके कार्यकाल में सबसे अधिक भ्रष्टाचार इस देश में 50 साल में जो नहीं हुआ जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम कुछ कांग्रेस को लेके जो भी बातें आज की तारीख में हो रही है, मैं पहली बात उसे गलत नहीं कह रहा, पर विपक्ष का कि आखिर विपक्ष उभरेगा कैसे, विपक्ष के उभार का तरीका क्या है? चलिए आप ही एक बताइए, मैंने आपको बताया। सारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि आंदोलन करिए और अब सड़कों पर उतरिए, जेल जाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन वहां तो आरे फार्म्स में भी जब पेड़ कट रहे थे मेट्रो शेड के लिए तो शिवसेना के कई समर्थक थे और वो थे जो अंदर जेल में थे, ये कहां थे? पहली बात यह कि विपक्ष अपना वैचारिक आधार खो चुका है, विपक्ष का एक वैचारिक आधार होना चाहिए। आप विरोध करने के लिए 370 का विरोध कर दें, विरोध करने के लिए किसी पार्टी या व्यक्ति का विरोध कर दें वो एक अलग बात है, एक वैचारिक आधार जो वो जैसे कहते थे हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जी। तो आखिर धर्मनिरपेक्षता क्या है उसको उन्हें साबित करना पड़ेगा आकर, ऐसे नहीं है कि अब आप ट्विटर पे जीवीएल राव साहब इस पर उंगली उठा रहे हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, और माजिद मेमन साहब भी हमारे साथ एनसीपी के नेता जुड़ गए हैं, जल्दी से एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप धारा 370 देखिए, पार्टी दो खंडों बटी हुई है, सावरकर के मसले पर पार्टी दो खंडों बटी, मनीष तिवारी कहते हैं गोडसेवाद चलाना चाहते हैं और आज अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट करके कहा, तो आपको यही नहीं पता कि आप कहां खड़े हो? नहीं, पर कांग्रेस में ऐसा पहले भी होता था, जब वो सत्ता में थे तब भी दिग्विजय सिंह कुछ और बोलते थे, बाकी पार्टी कुछ और बोलती थी, तो ये तो प्रक्रिया में मतभेद होना अलग होता है, लेकिन कम से कम आपकी वैचारिक जमीन कहां शुरू होती है कहां खत्म होती है इस बात का एहसास तो पार्टी के नेताओं को होना चाहिए, उसी पर कहीं कमी दिखती है क्या? जो लोग आगे की कतार में हैं उनका कंफ्यूजन नीचे तक पहुंच जाता है। हमारे साथ माजिद मेमन साहब जुड़े हुए हैं और लगातार जीवीएल नरसिम्हा राव साहब बने हुए हैं। माजिद मेमन साहब, ये एग्जिट पोल के आंकड़े अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो जो फसाना लिखा जा रहा है उसमें देवेंद्र फडणवीस की जबरदस्त वापसी होती दिखाई दे रही है, क्या ये क्षेत्रीय पार्टी एनसीपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए जबरदस्त घातक रूप से आगे बढ़ता हुआ फसाना नहीं है? आवाज आ रही है? हम एक बार फिर से चलेंगे माजिद मेमन साहब के साथ। आप हाथ उठा रहे थे राव साहब, आप हाथ उठा रहे थे, लेकिन देखिए विधायक को काम यहां पर सड़क, बिजली, पानी, घर, सुरक्षा, अस्पताल, स्कूल, यही सब करना होता है, राष्ट्रवाद, अनुच्छेद 370। एक दिलचस्प बात जो टीवी पर आपको नहीं दिखाई दे रही होगी जीवीएल नरसिंह राव, वो आपको मैं बता देता हूँ। जब ये सर्वे कर रहे थे लोगों से पूछा कि आप क्यों वोट देना चाहते हैं, 32% ने कहा नरेंद्र मोदी के कारण, 31% ने कहा केंद्र सरकार के कामकाज के कारण, 16% लोग बोले राज्य सरकार के काम की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्थिति असल में क्या है। नहीं रोहित जी, हमारे मैंने शुरुआत में ही मैंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ उसके पीछे हमारे एक नए भारत की निर्माण की जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कोशिश रहा, उनकी कंट्रीब्यूशन रहा, उसको देखकर पूरे देश प्रभावित है। और 370 क्यों नहीं, ये मुद्दा नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या राष्ट्रवाद
क्या हमारे हमारे जीवन में और हमारे राजनीति में हर स्तर पर क्या विषय नहीं रहना चाहिए? क्या यह पंचायत चुनाव में क्यों नहीं उठाया जा सकता है? पर लोग केवल एक विषय को लेकर देखकर वोट नहीं करते हैं। जब लोग वोट करते हैं उस पार्टी के नेतृत्व और हम 5 साल में वहां सत्ता में रहे उनके कामकाज को भी देखकर ही वोट करते हैं। और मोदी जी की जो व्यक्तित्व में हमने एक नए राजनीति की शुरुआत की। अभी आशुतोष थोड़ी देर पहले विश्लेषण कर रहे थे कि ये मराठा वो ब्राह्मण, ये भाई साहब ये विश्लेषण अभी बहुत पुराना हो चुका है। ये देश आगे बढ़ चुका है। आप उत्तर प्रदेश में भी हम मीडिया मित्र हम यही विश्लेषण कर रहे थे, सपा बसपा मिल गई, ये जाति ऐड हो गया तो इसलिए उनका 50% हो जाएगा। देश इस प्रकार सोच नहीं रही है। नए भारत में नए राजनीति और परफॉर्मेंस आधारित राजनीति को देश की जनता उनका समर्थन कर रही है। हम सबको ये देखना चाहिए। जब तक हम उन्हीं पुरानी आशुतोष जी जल्दी से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से आशुतोष जी। जीवीएल, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, आपने कहा कि देश परफॉर्मेंस पे चलता है, जातियों पे नहीं चलता है, तो क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते समय आपकी पार्टी जातियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है? आशुतोष जी आपने बिल्कुल सही सटीक सवाल पूछा है। तो ये जाति एक तरह से ये हमारे चुनावों में सोशल रिप्रेजेंटेशन एक हकीकत है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा केवल व्यक्ति को देखकर दिया जाता है, हमें सामाजिक संतुलन भी। राव साहब ठीक है आप इधर उधर अगर मगर आने लगा, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं चित्रा त्रिपाठी और मीनाक्षी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। और मीनाक्षी और चित्रा आपको बताएंगे क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल के ये आंकड़े, कैसे देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं जबरदस्त वापसी सत्ता में। आप देखिए अंजना, इस वक्त हम खड़े हुए हैं समंदर के ठीक बाहर और ये है गेटवे ऑफ इंडिया। इसके जरिए हम बाहर निकलते हैं और एक बार फिर से वो बड़े आंकड़े देश के सामने रखते हैं जिसके जरिए ये तय हो चुका है कि अब की बात देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने जा रही है। महत्वपूर्ण ग्राफिक जो बिल्कुल अलग अंदाज में, और आपको बता दें जिस तकनीकी का इस्तेमाल आज तक इस वक्त कर रहा है, 2 दिन पहले ही पूरी दुनिया में ये तकनीकी लॉन्च हुई है और फर्स्ट टाइम किसी न्यूज चैनल पर हमारे दर्शक इस तकनीकी के जरिए जो हमारे हाथों में ग्राफिक्स है और इस ग्राफिक्स के जरिए बड़े आंकड़े देश के सामने हम रख रहे हैं। मीनाक्षी बिल्कुल, और ये हम आपको बता दें कि आज तक इस बात के लिए जाना जाता है कि सबसे भव्य कवरेज सबसे इनोवेटिव तरीके से आपके सामने आंकड़े भी प्रस्तुत करता है और अंदाज दिलचस्प होता है ताकि जटिल से जटिल नंबर्स को भी आप आराम से समझ सके। और इसीलिए ये बॉक्सेस हमारे सामने आप इस वक्त देख रहे हैं, तो इन्हें हम हाथों में ले लेते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस पिटारे में क्या खास है, किसका होगा राज तिलक 24 को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे आप पहले देखिए। एग्जिट पोल के नतीजे एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग अंदाज में, ये हमारा हाथ है, लेकिन स्पेशल तकनीकी की मदद से आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं कि दरअसल बीजेपी और शिवसेना की सरकार इस बार कितना कमाल करने जा रही है। तो बिना देर किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह हंसता मुस्कुराता चेहरा आपके सामने है, लेकिन अब वो बड़े आंकड़े आपके सामने रखते हैं जिसके जरिए यह तय हो गया है एक बार फिर से महाराष्ट्र में बनने जा रही है बीजेपी और शिवसेना की सरकार। प्रचंड तरीके से फिर से वापसी करने जा रही है ये दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और एनसीपी दूर दूर तक कहीं भी पीछे खड़ी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी प्लस 185 सीटें अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि बीजेपी प्लस 166 से 194 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए आपके सामने ये महत्वपूर्ण आंकड़े, भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि शिवसेना बीजेपी ने मिलकर 166 से 194 और इसका औसत निकलकर आता है 181 का। बात 2014 की करें तो 2014 में दोनों ही पार्टियों को मिलाकर आंकड़ा हो जाता था 185 का, जबकि 2019 की बात करें लोकसभा के लिहाज से विधानसभा में आंकड़ों को कन्वर्ट करके हम देखें तो यह आंकड़ा 227 का पहुंचता था, लेकिन इस बार एक बार फिर से अपनी सत्ता कायम रखती हुई ये दोनों ही पार्टियां मीनाक्षी और एक बार फिर से प्रचंड तरीके से बीजेपी शिवसेना अपनी सरकार महाराष्ट्र में बनाती हुई दिखाई दे रही है हमारे इस एग्जिट पोल के हिसाब से। लेकिन कांग्रेस एनसीपी यहां पिछड़ गई है, देखिए 72 से 90 सीटें आ सकती हैं और अन्य के खाते में 22 से 34। तो जो ये बॉक्स आप मेरे हाथ में इस वक्त देख रहे हैं इसमें 72 से 90 का आंकड़ा कांग्रेस एनसीपी का जो है वो पिछड़ गया है। लेकिन यहां पर देखना यह दिलचस्प होगा कि हमारे इस एग्जिट पोल में कई और फाइंडिंग्स चित्रा सामने आई है जिसमें एक बहुत केंद्रित तौर पर जो बात कही गई है वो ये कि अगर कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से शरद पवार को चेहरा बनाया गया होता मुख्यमंत्री पद का तो शायद तस्वीर कुछ और हो सकती थी। यानी कि टक्कर देने के मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन पिछड़ गया। हालांकि वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो इलाका है जो गढ़ माना जाता है शरद पवार का, वहां से
बीजेपी अलायंस के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। वही एक ऐसा इलाका है जहां पर बीजेपी पिछड़ती दिखाई दी है कांग्रेस और एनसीपी से। और ये वोट शेयर हम दिखा रहे हैं, 288 सीटों का वोट शेयर आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना प्लस दोनों 45% वोट शेयर हासिल करती हुई, कांग्रेस एनसीपी 35%, अन्य के पास 20% वोट शेयर जाता हुआ। अगर बात करें 2014 की तो 2014 के विधानसभा में 47.16% रहा था इनका वोट शेयर, और अब घटक दलों के वोट शेयर के हिसाब से देखें तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी यहां पर 109 से 124 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 122 सीटों पर 2014 की विधानसभा में उसे विजय मिली थी। बात करें शिवसेना की तो शिवसेना 57 से 70 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 63 सीटें 2014 में उसको मिली थी जब शिवसेना बीजेपी दोनों ही पार्टियां अलग अलग थी। वहीं आप देख रहे हैं अगर विपक्ष की बात करें, मीनाक्षी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, विपक्ष की तस्वीर आप देखिए 32 से 40 कांग्रेस के खाते में, तो एनसीपी के खाते में 40 से 50। और नहीं भूलना होगा चित्र यहां पर कि कांग्रेस और एनसीपी ने जिस तरह से एक छत्र राज किया है महाराष्ट्र में, बीजेपी शिवसेना को उस दौर में लौटते लौटते तो बहुत समय लग गया, लेकिन महाराष्ट्र में इस बार का यह चुनाव याद किया जाएगा उस पावर प्ले के लिए जो बागियों ने इस बार मैदान में उतारा है। और बागियों का यह खेल, जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, हमारा एग्जिट पोल भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि बागियों का जो परफॉर्मेंस है, 22 से 32 सीटें चित्रा ऐसी हो सकती हैं जहां पर बागी जीत दर्ज करने वाले। और मुझे लग रहा है एक बार फिर से ये जरा जो हाथ में मेरे आंकड़ा है, ये आंकड़ा देश के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने रखना बेहद जरूरी हो जाता है। बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी शिवसेना 166 से 194 सीटें, और इनका औसत निकालेंगे तो होता है 181 का, 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। 185 पर दोनों पार्टियों ने 2014 में जीत हासिल की थी। बेहतरीन शानदार जानदार प्रदर्शन हमने देखा था 2019 के लोकसभा चुनाव में। आपको बता दें जिस तरह की परफॉर्मेंस रही थी विधानसभा में कन्वर्ट करने पर, वो आंकड़ा बीजेपी का 122 का जबकि शिवसेना का 105 का जाता है। लेकिन इस बार विधानसभा में थोड़ी सी यहां पर जो सफलता है वो कम, लेकिन फिर भी प्रचंड तरीके से सरकार बनाती हुई बीजेपी और शिवसेना, ये दोनों ही पार्टियां फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए, और कुल मिलाकर आदित्य ठाकरे को लेकर अब ये कयास लगेंगे 72 से 90 जो ये आंकड़ा हम दिखा रहे हैं चित्रा अपने दर्शकों को, कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन इस पे सिमट गया है। अब यहां से शायद अगर एग्जिट पोल के यही नतीजे असल नतीजों में भी तब्दील होते हैं तो एक बार फिर से चिंतन मंथन की जरूरत, गठबंधन को जरूरत जरूर पड़ेगी। क्योंकि देखिए जिस तरह से बार बार ये बात हो रही थी कि जमीन पर आपने किस हद तक काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 रैलियां हुई हैं महाराष्ट्र में जबकि राहुल गांधी की 7 रैलियां हुई हैं महाराष्ट्र में। जमीन पर जो असर विपक्ष का दिखना चाहिए था वाकई वहां पर कहीं ना कहीं चूकते हुए आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि विपक्ष कहीं है ही नहीं। दरअसल अगर इन आंकड़ों को हम देखें और पिछले 5 सालों की अगर कोई सत्ताधारी पार्टी है वो एक बार फिर से प्रचंड तरीके से वापसी कर रही है तो विपक्ष का सूपड़ा साफ दिखाई दे रहा है, वो भी तब जब पुरजोर तरीके से कोशिश की गई थी उन लोगों की ओर से मुकाबले को जीतने की। तो ये आंकड़ा मेरे हाथ में है बीजेपी शिवसेना, और मीनाक्षी के हाथ में है विपक्षी पार्टियां। तो चित्रा शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार 2.0 का जो पहला एग्जाम है महाराष्ट्र में, कम से कम उसमें जो है एक क्लियर कट विक्ट्री। और अब मैं दिखा देती हूँ वोट शेयर बेहद महत्वपूर्ण है। ये देखिए 45% ये जो वोट शेयर है ये बीजेपी और शिवसेना का है, हालांकि 2014 में उनका वोट शेयर ज्यादा रहा था, 47.18% रहा था, लेकिन इस बार 2014 के मुकाबले वोट शेयर थोड़ा सा कम होता हुआ, लेकिन फिर भी दमदार तरीके से बीजेपी शिवसेना की वापसी होती हुई। और अब इसी वोट शेयर और इन्हीं आंकड़ों के साथ सवाल ये भी खड़े होने लगेंगे कि देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही, आदित्य ठाकरे क्या डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं अब, एग्जिट पोल के नतीजे अगर फाइनल आंकड़ों में तब्दील होते हैं तो। कुल मिलाकर बल्ले बल्ले अच्छी खबर महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी और शिवसेना को दी है। कांग्रेस एनसीपी के लिए जो है वो वोट शेयर क्या है, तो मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं कांग्रेस एनसीपी का आंकड़ा, 35% जो है वोट शेयर कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस और एनसीपी का मिलाकर। हालांकि जिस तरह का दम भर रहे थे कांग्रेस और एनसीपी जीत के लिहाज से, उससे काफी पीछे छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब यहां से जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि चिंतन मंथन जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि अगले 5 साल भी राजनीतिक वनवास महाराष्ट्र से कांग्रेस एनसीपी का में नहीं हुआ। अब सवाल यही है कि आखिर गलती कहां रह गई जिसके कारण कांग्रेस एनसीपी एक बार फिर से बीजेपी शिवसेना से पीछे रह गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब जरा रीजन वाइज दिखा देते हैं कि महाराष्ट्र में अलग अलग रीजन के हिसाब से किस पार्टी को कहां पर बाजी हाथ लगी है और कौन सी पार्टी पिछड़ गई है। सबसे पहले नॉर्थ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, नॉर्थ महाराष्ट्र के आंकड़े आपके सामने रखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मेरे हाथ में है लेकिन अब यह आंकड़ा नॉर्थ महाराष्ट्र का देखिए। उत्तर महाराष्ट्र में यहां पर 45 सीटें बीजेपी,
प्लस हासिल करती हुई नॉर्थ महाराष्ट्र में नजर आ रही है, यानी कि उत्तर महाराष्ट्र में ये सीटें महत्वपूर्ण है। शानदार प्रदर्शन उत्तर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना करती हुई इन आंकड़ों के जरिए दिखाई दे रही है। ये सिर्फ सीटें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर महाराष्ट्र के बाद। अब जरा आगे बढ़ते हुए दूसरे हिस्सों में भी महाराष्ट्र की आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं वहां के आंकड़े क्या दिखाते हैं उत्तर महाराष्ट्र का। ये उत्तर महाराष्ट्र में ये दिखा देते हैं कि कांग्रेस जो है उसको कितना यहां पर नंबर मिला है। तो 37 सीटें उत्तर महाराष्ट्र में कांग्रेस हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको हम ये भी बताएंगे कि कोंकण, वेस्टर्न महाराष्ट्र, इन इलाकों में क्या स्थिति है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल यहां पर 37 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। यानी उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी ने बाजी मार ली है एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से। बिल्कुल, पुराने आंकड़े भी देख रही थी, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। विदर्भ की स्थिति हम दिखा देते हैं। विदर्भ जहां पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी 2014 में, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब आपके सामने मुख्यमंत्री भी यहीं से आते हैं। देखिए विदर्भ में भी बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी शिवसेना 45 सीटें हासिल करती हुई, उत्तर महाराष्ट्र में 45, विदर्भ में भी ये दोनों ही पार्टियां 45 सीटें हासिल करती हुई, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि बल्ले बल्ले अच्छी खबर महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर से विदर्भ में भी, विदर्भ के मुद्दे अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन लग रहा है कि इन दोनों ही पार्टियों ने वहां की जनता में भरोसा कायम करने में कामयाबी हासिल की है और इसी वजह से बीजेपी प्लस विदर्भ में 45 सीटें हासिल करती हुई। और विदर्भ में देखिए कुल मिलाकर 62 सीटें हैं, लेकिन इन 62 सीटों में से आपने 46 तो बीजेपी का आंकड़ा बताया, लेकिन कांग्रेस को देखिए यहां पर 34 सीटें जो है वो मिल रही है। हालांकि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को महज 10 सीटें मिली थी, तो यहां पर जो है एक बड़ा मार्जिन यहां पर कांग्रेस हासिल करती हुई जरूर दिखाई दे रही है। 34 सीटें विदर्भ से कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है और टोटल जो है 62 सीटें यहां पर है बीजेपी के खाते में, कुल मिलाकर 45 सीटें। आइए बढ़ते हैं अब अगले रीजन की तरफ। आप चित्रा पहले आप दिखाइए। बिल्कुल, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ की हमने बात कर ली और अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ गए और अब अपने आंकड़ों के साथ भी वो जल्द ही सामने आएंगे। हम बात करेंगे अगले इलाके की, मराठवाड़ा। 41 सीटें बीजेपी प्लस मराठवाड़ा इलाके में 41 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही हैं। मराठवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनावों के दौरान शानदार प्रदर्शन रहा था और इस बार भी शिवसेना के साथ मिलकर वो कमाल करते हुए मराठवाड़ा में दिखाई दे रही है। मीनाक्षी, अब मराठवाड़ा की हमने बात कर ली है, जरा विपक्ष का इस इलाके में क्या हाल है अब आप बताएंगे हमें। मराठवाड़ा में कुल 46 सीटें जिसमें से 41 अगर अकेले बीजेपी प्लस के पास आ रही है चित्रा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर विपक्ष के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है और जबरदस्त नुकसान यहां पर हुआ है विपक्ष को। तो ये देखिए ये नंबर जो है आपको हम ये दिखा रहे हैं मराठवाड़ा में 38 कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस और एनसीपी को मिलाकर। हालांकि जो पिछले नतीजे हमारे पास इस वक्त मौजूद है मराठवाड़ा के, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें थी, एनसीपी के 8 और अदर्स के पास थी 3 सीटें और इस बार 38 सीटें कुल मिलाकर पूरे गठबंधन के पास। मराठवाड़ा में कुल 46 सीटें आती है और यहाँ पर देखिए शानदार प्रदर्शन और अब एक एक करके बाकी भी तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने हम रखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर हर जगह से अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है और देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर से कम हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से महाराष्ट्र में सिर माथे पर बिठाया है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को। अब की बार एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। रोहित और अंजना, बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को थम्स अप मिल रहा है। इधर मोदी लहर केंद्र में, वही जो 2014 के लोकसभा चुनावों में देखा और उसी के साथ फडणवीस फैक्टर का जुड़ जाना ये साबित कर रहा है और सुनिश्चित कर रहा है कि विपक्ष का दायरा घटता सिमटता चला जा रहा है। क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अगर आप एनसीपी को देखें, कद्दावर मराठा क्षत्रप उन्हें माना जाता था, लेकिन क्या उनकी भी जमीन धीरे धीरे सिमटती चली जा रही है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये एग्जिट पोल ये भी बताता है कि अगर इसी शरद पवार को, इनको ही मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस एनसीपी की तरफ से दिखाया जाता तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। पश्चिमी महाराष्ट्र को छोड़कर कोंकण, ठाणे, मुंबई, विदर्भ, तमाम जगहों पर सीधे सीधे बीजेपी का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सांसद बनने के बाद सुधांशु जी, पहली बार टीवी पर आपसे बातचीत हो रही है, बहुत बहुत बधाई आपको इस नई भूमिका के लिए और इसी के साथ ये एग्जिट पोल भी अच्छे संकेत देता हुआ आपके लिए। सुधांशु जी, देखिए एग्जिट पोल के जो संकेत आ रहे हैं, मेरा मानना है कि जब ये परिणाम में तब्दील होंगे तो ये इससे अधिक संख्या दिखाई पड़ेगी
और अभी जो आपके एग्जिट पोल हैं वो मोटे मोटे दो तिहाई बहुमत की तरफ दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना युति को, और जब परिणाम आएंगे तो हमारा विश्वास है कि इससे अधिक ही होंगे। उसका एक कारण है, आप ध्यान करिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान रैली में यह बोला था कि दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, इस जोड़ी ने डबल इंजन के माध्यम से जो काम किया है महाराष्ट्र में, जो परिवर्तन दिखाई पड़ा है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता उसके अनुसार हमें समर्थन, सहयोग और आशीष देगी। और आपके एग्जिट पोल ऐसा संकेत दे रहे हैं कि जो मन महाराष्ट्र की जनता ने बनाया था, जिसका आभास हम लोगों को लग रहा था, दिशा तो कम से कम वही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। संख्या क्या होगी ये 24 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सुधांशु जी, अब ऐसे सवालों पर आती हूं जिनके जरिए कुछ समझने में आएगा कि गठबंधन के अंदर की सच्चाई क्या है। देखिए, जब आप लोग सीटों के बंटवारे को लेकर लास्ट तक मामला खींचा चला जा रहा था, तो ये साफ संकेत थे कि आप लोग ये चाह रहे थे कि अपने ही बलबूते अगर यहां पर स्पष्ट बहुमत आ जाए तो फिर शायद शिवसेना की जरूरत नहीं बन पाए। इस बार अगर बना भी लेते हैं गठबंधन धर्म को निभाने के लिए, तो आगे के लिए कहानी सील कर दी जाए, नहीं था क्या ऐसा? लेकिन ऐसे संकेत अब मिल नहीं रहे हैं अगर ये नतीजा होता है। देखिए अंजना जी, भाजपा शिवसेना का जो गठबंधन है ये भारत के इतिहास का सबसे लंबा गठबंधन है। मतलब 26-27 साल से यह गठबंधन चल रहा, 1995 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी और 1990 से हम लोगों का गठबंधन हो गया था। मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग कोलिशन है। चुनाव में तो तोड़ लिया था सर, चुनाव के पहले, तो बाद में गठबंधन किया आपने, तो एक प्रकार से तोड़ लिया था और फिर चुनाव के बाद कर लिया। वो तो देखिए 2014 के लोकसभा में हम साथ थे, 2014 के विधानसभा में अगर आप कुल माने तो शायद वो कुछ हफ्ते की बात थी, एक दो सप्ताह की बात थी जिसमें वो गठबंधन नहीं था। तो मैं मानता हूं कि भाजपा और शिवसेना का जो गठबंधन है इसका राजनीतिक आधार, वैचारिक आधार इतना सुदृढ़ है और भारतीय जनता पार्टी के मन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा किंतु परंतु नहीं है। आप याद करिए 2014 दोनों में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, कश्मीर ने जिताया, सहयोगियों को समुचित स्थान अभी जिताया और समुचित कहना ठीक नहीं होगा, अभी तो एग्जिट पोल के ही आंकड़े हैं। लेकिन कश्मीर, देखिए कश्मीर की वजह से महाराष्ट्र, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, कश्मीर हो, 370 हो, आतंकवाद विरोधी यूएपीए वाला विषय हो, एनआरसी हो, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। परंतु जब ये बार बार ये कहा जाता है कि साहब स्थानीय चुनाव है, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे क्यों आ रहे हैं, ये बड़ी विचित्र सी बात लगती है। ये बताइए क्या मतलब, वो लोग राष्ट्र के नागरिक नहीं है, राष्ट्र के लोग राष्ट्र के विषयों से सरोकार नहीं है। अंजना जी देखिए, तीन प्रकार के चुनाव होते हैं, एक होते हैं जिला परिषद और नगर निगम, स्थानीय मुद्दे पे लोगों ने वोट डाला, एक विधानसभा और एक लोकसभा। ये कोई मोदी जी के ऊपर मैंडेट नहीं था, ये कोई केंद्र सरकार की कामकाज का मैंडेट नहीं था, हारने पे तो आप ही लोग ये बात कहते हैं। अरे रोहित जी मैं पूरी बात हो जाए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। लोकसभा में स्पष्ट रूप से पूरा प्रभाव राष्ट्रीय मुद्दों का होता है, स्थानीय मुद्दे गौण होते हैं। जो लोकल बॉडीज होते हैं उसमें स्थानीय मुद्दों का ही प्रभाव होता है, पार्टी और राष्ट्रीय मुद्दे बहुत गौण होते हैं, परंतु विधानसभा में निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे, स्थानीय विषय, स्थानीय नेतृत्व प्रमुख होता है, पर राष्ट्रीय मुद्दों का भी पूरा प्रभाव होता है। मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र जो कि राष्ट्रवाद की के तमाम आंदोलनों की धुरी रहा है, 1857 के स्वतंत्र समर से लेके जितने भी प्रकार के आंदोलन, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर और सब प्रकार की चीजें रही, और छत्रपति शिवाजी की हिंदू पद पातशाही, अब आप कहते हैं साहब वो महाराष्ट्र की जनता का कोई राष्ट्रीय मुद्दे से सरोकार ना हो, तो मेरे विचार से यह बात महाराष्ट्र की परंपरा और इतिहास के साथ भी न्याय नहीं करती। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी हैं एक्सेस माई इंडिया के, जिनका लोकसभा का आकलन तो बिल्कुल सटीक साबित हुआ था, और गुप्ता जी आज सुधांशु जी तो कह रहे हैं जितनी आपने सीटें दी हैं उससे ज्यादा हम लेके आएंगे, आपको लग रहा है कि इसमें प्लस माइनस कितना होने की संभावना है? नहीं, प्लस माइनस का जहाँ सवाल है इसीलिए हम रेंज देते हैं, ताकि अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता और लोग अपने अपने हिसाब से उस प्लस माइनस को जान लें। तो आप कह रहे 194 से ऊपर नहीं जाएगा इनका गठबंधन? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, और ये सुधांशु जी जरूर 194 की तरफ ज्यादा नजर रखेंगे, बनिस्बत उनके विरोधी कांग्रेस और एनसीपी जो है वो नीचे की तरफ 166 पे ज्यादा अपनी नजर रखेंगे। तो महाराष्ट्र में 370 का स्ट्राइक का असर है? महाराष्ट्र में 370, देखिए एक जब कोई भी चुनाव होता है तो एक विषय नहीं होते,
उसके अंदर नेशनल विषय होते हैं, राज्य के विषय होते हैं, जिले के विषय होते हैं, तालुका के विषय होते हैं, और फिर लास्ट में जाके लोकल कंसिस्टेंसी और मोहल्ले के भी विषय होते हैं। तो सबका समावेश होता है। उसी तरह से इसमें नज़र आ रहा है कि 44% लोग कह रहे थे कि हमको विकास चाहिए, 11% कह रहे थे हमारे लिए महंगाई मुद्दा है, 10% बेरोजगारी कह रहे थे, और करीब 2% जो है वो 370 का जो निकाला धारा 370 को उसका। ठीक है, लेकिन एक और फैक्टर होता है हमेशा इंडियन इलेक्शंस में जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, मैं उस पर आपसे बातचीत करूंगी। शशि शेखर जी भी सुधांशु जी से सवाल पूछना चाह रहे हैं, आलोक जी आप भी, लेकिन एक जल्दी से रिएक्शन मैं इस पर प्रदीप जी से ले लूं। प्रदीप जी, एक जो साइलेंट फैक्टर होता है जो अंदर ही अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है और जिसको देखकर उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है, वो है कास्ट फैक्टर। जी हाँ, जाति को देखकर आधार बनाकर किस तरह से हिंदुस्तान की राजनीति में लोग वोट करते हैं, ये भी किसी से अछूता नहीं है, चाहे तमाम पार्टियां इससे इसको नकारती रहे। लेकिन जो आंकड़े इसके जरिए सामने आ रहे हैं आपके इस एग्जिट पोल में, उसमें एसटी 48% 48% एसटी का जाना बीजेपी की तरफ और 35% का कांग्रेस एनसीपी की तरफ, ये सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद जब आप ओबीसी देखते हैं तो 51% बीजेपी की तरफ, 28% कांग्रेस एनसीपी की तरफ। जब आप एससी देखते हैं, शेड्यूल कास्ट देखते हैं, तो 30% जा रही है बीजेपी की तरफ और 37% ज्यादा कांग्रेस एनसीपी की तरफ। और मराठा बहुत महत्वपूर्ण, 50%, और वो इसलिए क्योंकि फडणवीस खुद मराठा, मतलब आप ब्राह्मण हैं तो जो मराठावाद की एक राजनीति वहां पर होती थी उससे हटते हुए उनको लाया गया। 50% मराठा बीजेपी की तरफ और 37% जा रहे हैं कांग्रेस एनसीपी की तरफ। ब्राह्मण 57% बीजेपी की तरफ, 26% जा रहे हैं कांग्रेस एनसीपी की तरफ। ये क्या कह रहा है? देखिए, जो आपने कास्ट अर्थमेटिक की बात कही, ट्रेडिशनली जो दलित जाति है वो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव रहा है, जो कि यहाँ पर भी आज की डेट में नजर आ रहा है। उसके बाद जैसे आपने बताया कि लोकल लेवल पे ये पूरे स्टेट का विषय, हो सकता है कि कहीं पर दलित समाज बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ भी वोट कर रहा हो, वो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कौन है। तो इसमें बहुत सारी विषयों का समावेश होता है। जहां तक मराठा का सवाल है, इस बार आप देखेंगे पिछले 5 सालों में जो बड़े बड़े छत्रप रीजनल कांग्रेस के भी और एनसीपी के भी रहे, हर्षवर्धन पाटिल से, नारायण राणे से, गणेश नाइक से, करीब करीब बड़ी संख्या में जो है वो बीजेपी की तरफ शामिल हुए उनके अंदर, वो नेचुरली अपने साथ साथ वो वोट बैंक भी लेके आते हैं। और मराठा आरक्षण का जो विषय है उसका भी राज्य सरकार ने जो है 16% मराठा आरक्षण को डिक्लेयर किया, जो कि अभी कोर्ट में चल रहा है, उसका भी असर यहाँ पर भी असर दिखा है। 55% मुस्लिम गए हैं कांग्रेस एनसीपी की तरफ और 14% गए हैं बीजेपी की तरफ, यानी 14% मुस्लिम ने भी वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये समझना दिलचस्प होगा सुधांशु जी से कि इसकी वजह वो क्या मानते हैं। लेकिन सुधांशु जी, एक बात बहुत दिलचस्प है, क्या जो बागी थे अलग अलग जगहों पर नुकसान पहुंचा रहे थे, उन्होंने ही आपकी डबल सेंचुरी के मजे में खलल डाल दी? क्योंकि अन्य का आंकड़ा इस बार देखिए 22 से लेके 32 तक दिखाई दे रहा है अन्य का आंकड़ा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।